हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इजीएस्ट इंग्लिश लर्निंग सोर्स हिंखोज और मैं हूं इशिता। गाइस मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को अभी इनवाइट किया है कि आप मेरा एक प्रेजेंटेशन देखें, या फिर मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है एक मीटिंग के लिए जहां हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि जब हम कोई ऑफिशियल मीटिंग करते हैं या कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बोलते हैं इंग्लिश में, और साथ में इस वीडियो के एंड में आज से रिलेटेड ही कुछ टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो लेसन। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम इंग्लिश में क्या बातें करते हैं। सो यहाँ डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं। मे बी आप कोई मीटिंग चेयर कर रहे हो, लाइक कोई मीटिंग के आप होस्ट हैं, या फिर आप कुछ पार्टी है जिसकी आप होस्टिंग करने वाले हैं, या आप हो सकता है कि कुछ प्रेजेंटेशन देने वाले हैं अपने ऑफिस में बाकी लोगों को। नाउ लेट्स इमेजिन कि हम सब, यानी मैं और आप सब, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं जो है हिंखोज। ऑब्वियसली वी आर अ फैमिली, बट यहाँ पे हम इसे ऑफिस बना देते हैं। अब मैंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है गाइज कि मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूँ। तो ऐसे ही जब आप किसी मीटिंग को चेयर करेंगे या फिर आप कुछ प्रेजेंटेशन देने वाले हैं तो आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं इंग्लिश में? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, I am Ishita from Learning and Development Department of Hinkhoj. I am here today to tell you about some important project which will be coming very soon. तो यहाँ मैंने sentences में बोला पहले अपना introduction, जिसमें मैंने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं किस department से हूँ और आज हम यहाँ क्यों आए हैं। तो इसलिए guys it is very important कि आप पहले introduction दें। तो introduction में मैंने बताया आपको let me introduce myself से आप start करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं please join me today for discussing about the new upcoming project. I am Ishita from Learning and Development Department. सो इंट्रोडक्शन में हम वेलकम भी कर सकते हैं सबको। सो प्लीज़ जॉइन मी मीन्स आई एम वेलकमिंग देम। या फिर अगर कोई नए क्लाइंट आए हैं जो बाहर से हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी होते हैं हमारे, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो लोग हमेशा ऑफिस नहीं आते, बट समटाइम्स जब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होने वाले होते हैं तो वो ज़रूर होते हैं, तो वहाँ पर आप उनको भी वेलकम करवाएंगे हर किसी से। इट्स अ प्लेजर टू वेलकम मिस्टर सिंह फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ही इज़ हेयर टूडे to tell us more about the upcoming project. तो यहाँ मैंने किसी नए पर्सन का, न्यू क्लाइंट का इंट्रोडक्शन भी दे दिया। या फिर आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर सिंह हु इज हेयर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ही विल बी टेलिंग यू अबाउट द न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ मैंने उनका पोजिशन बताया और साथ में बोला कि वो क्यों आए हैं यहाँ पे। नाम बताना ज़रूरी है गाइज, तो मैंने उनका नाम भी बताया, इसलिए आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उनका भी नाम बताएंगे। गाइज इंट्रोडक्शन की बात तो हो गई, नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन में या मीटिंग में कि आप बताएं कि आप यहाँ पे क्यों हैं, मीन्स स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट हिंखोज एंड वी विल टेल यू व्हाट न्यू इन्वेंशंस वी हैव मेड। हम यहाँ आए हैं ताकि हम आपको नए इन्वेंशंस के बारे में बताएं हिंखोज प्रोजेक्ट में। आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट वी नो व्हाई आर वी हेयर टुडे, और फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। आपने स्टार्ट किया कि मैं बताना चाहूंगी कि हम यहाँ आज क्यों आए हैं। आर एजेंडा फॉर टुडे इज, अब आप पूरे दिन का या पूरी मीटिंग का एजेंडा बता सकते हैं लोगों को कि हम क्या क्या पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हैं आर मेन एम फॉर टुडे इज एंड सो ऑन। इंट्रोडक्शन हो गया, एजेंडा बता दिया, ऑब्जेक्टिव बता दिया मीटिंग का, एंड देन वी कंटिन्यू विद द मीटिंग। मीटिंग के समाप्त होने के बाद आप क्या करते हैं गाइज, आप सबका शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया हम थैंक यू बोलते हैं इंग्लिश में। सो थैंक यू कैसे बोलेंगे गाइज? अप्रिशिएट करते हुए थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने समय निकाला अपना। आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अटेंडिंग और कमिंग फॉर द मीटिंग। ज्वाइनिंग, अटेंडिंग और कमिंग में से कोई भी वर्ड पिकअप कर लीजिए और अपना सेंटेंस बना दीजिए। थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड पेशेंस। ये बोलकर आपने बोला कि मैं बहुत ही आभार प्रकट कर रही हूँ कि आप यहाँ समय निकाल कर आए। सो दिस इज़ गुड, ऑलवेज थैंक एवरीवन दैट दे केम टू लिसन टू यू। नाउ ये सारी चीज़ें होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ आज का टिप ऑफ द डे। सो आज के टिप ऑफ द डे में है गाइज कि हम मीटिंग के बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, वो ये है
कि हम MOM मॉम शेयर करते हैं. नाउ मॉम होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग. सो प्रोफेशनली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मीटिंग के बाद एक मॉम ईमेल के थ्रू शेयर कर दें. सब्जेक्ट लाइन में हम मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं और फिर मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुई है या क्या नए इन्वेंशंस होने वाले हैं, प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं. इसलिए ये वाली मेल ज़रूर जानी चाहिए. अब सेकेंड टिप है कि ये मेल किसको जाएगी. सबको जाएगी गाइज, हर किसी को आप शेयर करेंगे, वेदर हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग या फिर जो नहीं प्रेजेंट थे. हो सकता है कुछ लोग फील्ड पे काम करते हों, मे बी फील्ड सेल्स ऑफिसर्स होते हैं जो ऑफिस के बाहर का काम देखते हैं, इंटरनल नहीं होते या एक्सटर्नल क्लाइंट्स होते हैं. इन सभी को आप मिनट्स ऑफ मीटिंग शेयर करेंगे क्योंकि वो सभी ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो इसलिए रिमेंबर गाइज, मीटिंग को चेयर आप कैसे करेंगे अब आप जानते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं आफ्टर द मीटिंग. सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, और अगली बार जब भी आप कुछ प्रेजेंटेशन दें या मीटिंग करें तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा. आई होप यू लाइक दिट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर अपकमिंग वीडियो लेसन्स, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. टिल देन टेक केयर गाइज एंड हैप्पी लर्निंग.